हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं इसके पापा इसके लिए तकिया लेके आए हैं। इसका बेटा पूरा बड़ा वाला, ये अपने मॉल जिसपे काम करते हैं वहां से ये तकिया लेके आए हैं अपनी बेटी के लिए। ये खड़ी एक बार बोली कि हमको पापा तकिया चाहिए, तो इसके लिए तकिया आ चुका है। और ये अपना बेटी से इसके पापा बहुत प्यार करते हैं और जो बोलती वो लेके आते हैं। और ये तकिया आप देख सकते हैं, तकिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जीवा? तकिया नहीं बोलते हैं, पिल्लो बोलते हैं। और ये रहा इसका जीवा का पिल्लो, जो कि वो इसमें सोएगी। जीवा अच्छा है ना? आप लोग को ये कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे किधर तेरा और हुआ है। मेरा दक्ष को देखिए, ये रहा मेरा दक्ष जो रहा दूध पी रहा है सोने के लिए। अब सो जाएगा जीवा। तुम पापा को कुछ बोलेगी? तुम्हारे लिए पापा लेके आए। पापा अच्छा से बोलो, पापा लव यू बेटा, लव यू। आ जा इधर। तो अपने पापा को लव यू बोल रही है। सब सब्सक्राइबर को बोलो क्या करने के लिए, लाइक करने के लिए। वहाँ बोलो देख के, लाइक करिए, लाइक आपको आपको बताइए और इसको बताइएगा। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, बोलते कि मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा। बाय बाय आपको, बाय। और मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, अभी और भी ब्लॉग आएगा। इसमें बाय तो जीवा कर दी है अपनी तरफ से, लेकिन अभी ब्लॉग कंप्लीट हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग और भी कुछ कुछ चीज जो है कि हम आपको ब्लॉग पे दिखाना चाहते हैं आज हम लेके आए हैं। वो दीजिए तो थोड़ा दिखाते हैं, दिखा देते हैं ना, दीजिए। तो तुम मार्केट जाती यही सब करती है ना? मेरे पास तो आज पैसा भी नहीं था, लेकिन हम किसी से पैसा ले लिए, अपने घर का ही आदमी से पैसा ले लिए। और उसके बाद बाहर में आया था बेचने, ये तकिया से मारती है चोट लगा, चटाई बेचने के लिए आया था छोटा छोटा। तो हम सोचे कि खाना उना खाने के लिए दो चार आदमी रहते हैं तो नीचे बैठना पड़ता है बोरा उरा में, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम खरीदे हैं चटाई। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत है छोटा छोटा। और ये हम एक नहीं खरीदे, ये हम छः पाँच को खरीदे हैं, पूरा 100 रुपीस में 5 दिया है। और हम अब इसको खरीद लिए हैं और अब हम इसी पे बैठ के खाना खाएंगे और अपने पति को भी देंगे, अपनी बेटी को भी देंगे और कोई आएगा तो उसको भी देंगे। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग अभी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप एक चीज और जीवा के लिए उसके पापा लाए, जो कि अपना बैग में छुपा के रखे थे, वो हमको दिखाने रहे थे क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत गुस्सा करेगी। तो हम काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा किए हैं, लेकिन मेरी बेटी के लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, बार बार इसको इतना भी छूट नहीं देना चाहिए जितना कि इसको मिलता है, जितना बोलती है हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। ये हमको चाहिए। देखिए ये जो बोली, इधर आके दिखाओ क्या चाहिए, क्या लाइए, हटो तो आप मेरा हाथ छोड़ो जीवा, उधर से जा बेटा, उधर से जा, मम्मी को परेशान मत करो, बहुत परेशान हो ना। अपने सभी दोस्त को ड्रेस दिखाओ, लो तो दिखाओ, क्या सीधा से खड़ा हो के अच्छा से दिखाओ जीवा। तो आप देखिए जीवा आपको अपना ड्रेस दिखा रही है। आपको हम नहीं पहनेंगे ऐसे, वो दिखाओ बेटा वो वाला। ये रहा इसका स्कर्ट, क्या है जीवा? स्कर्ट। और ये रहा टॉप, बोलो मेरा टॉप आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर। टॉप कैसा लग रहा है, इसके ऊपर पहन के जरूर बताइएगा, लाइक करिए, जरूर बताइएगा कि इसका टॉप और स्कर्ट कैसा लग रहा है। और ये रहा जो कि देखिए इसके पापा लेके आए हैं, और हम तो हमको पता भी नहीं था मेरे लिए साड़ी लिखने आता है। साड़ी लेके आएंगे तेरे लिए, कब लेके आएंगे हम, कब से बोल रहे मेरे लिए एक दो साड़ी एक दो सूट ला दीजिए, तो बोलते पैसा ना आप पैसा नहीं है। और अपना बेटी के लिए देखिए कैसे उसका बेटी सर आ रही है, क्या खुल गया, कोई बात नहीं जीवा, वो पे बांध रख दे, अब हम इसको सरिया के रख देते हैं, लाइए। तो अब हम इसको जा रहे हैं सरिया के, अच्छा एक बैग रखने। और हम अभी आपको दिखा सकते हैं कि मेरा जीवा का और दक्ष का कितना सारा कपड़ा है, इतना सारा कपड़ा है ना बता नहीं सकते हैं, बहुत सारा कपड़ा है। अभी मैंने जीवा के लिए, जीवा बहुत जिद कर रही थी कि पापा मुझे एक पिल्लो ला करके दीजिए,
क्योंकि मैं दो पिल्लो था घर में, जिसमें कि एक फगुनिया सोती थी उस पे, एक पे हम सोते थे। तो आज इसके लिए मैंने पिल्लो ला करके लाया। और देखिए जीवा के लिए कितना सारा कपड़ा, ये इसके मम्मी अभी ये शादी में जाने वाली है, अभी तो, नहीं अभी बहुत टाइम है। हाँ तो पहले से ये प्लानिंग कर रही है, तो अभी हम लोग को शादी में जाना बहुत टाइम है, वो तो अभी उसके लिए कुछ भी सोचे नहीं है। लेकिन हाँ मेरा दक्ष और जीवा का कपड़ा ये ट्रॉली बैग है, इसीलिए हम रखे, जीवा हल्ला नहीं करते। और इसका इतना सारा ड्रेस आया है तो हम इसको अच्छा से सरिया के रखते। तो आप देख सकते हैं मेरा दक्ष का और जीवा का कपड़ा कितना सारा है। सिर्फ इसमें एक मेरा ये साड़ी है जो कि हम अभी तक पहने नहीं है, ये साड़ी हमको अच्छे से रखे हुए हैं, कोई आते जाते हैं तो घर में एक दो एक्स्ट्रा भी रखना चाहिए। जीवा परेशान मत कीजिए। अच्छा हाँ रख लीजिए। और ये रहा टावल जो कि एकदम न्यू है, इसको भी हम रखे हैं, कोई गेस्ट आएंगे तो उनको देने का काम आएगा हमको। और ये रहा मेरा दक्ष का स्वेटर, आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये मेरी ननद दी थी तो हम इसको अभी रखे हुए संभाल के, ये अगला साल पहनेगा, दक्ष को बड़ा हो रहा है इसीलिए। और बता देता है कभी बोलिएगा कि मेरा कपड़ा दिखाने के लिए, तो मेरा कपड़ा कुछ भी नहीं रहता है। और क्यों नहीं रहता है तो मैं बताता हूँ फ्रेंड। पता है एक चीज हमको लगते रहता है कि जो कपड़ा हम ज्यादा खरीदें उससे अच्छा ये लोग को खरीदते हैं ना, तो हमको बहुत प्यार आता है। पता है हम इसको खरीदे या मेरे बेटी को खरीदे तो हमको बहुत प्यार आता है। और रही बात मेरा तो, मैं हम तो ड्यूटी पे रहते हैं, मेरा ड्रेस है, ड्रेस उसी में तो मेरा दिन भर तो उसी में कट जाता है मेरा, तो फिर नया क्या पहने। एक दिन तो वीक ऑफ होता है तो उसमें भी थोड़ा मोड़ा घर में ही रहते तो कहाँ जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या लेकर के। मेरा इतना सा ये बैग में खाली दक्ष का कपड़ा है और जीवा का, बस और किसी का भी नहीं। मेरा सिर्फ एक साड़ी था। खोजते हैं बेटा, तुम आराम से बैठो, पहले बदमाशी नहीं करो, दक्ष का हाथ पे मत बैठना, दक्ष अभी सोया। देखिए जीवा का हॉट पैंट है, एकदम न्यू है, रुक जाओ खोज के देते। ये सब सारा तो देखिए, ये एक रहा जीवा का कपड़ा और ये रहा एक जीवा का लहंगा जो कि वो बहुत सारा वीडियो बना चुकी है लहंगा पे, और एकदम अभी नहीं है, लहंगा को कभी यूज नहीं किए, थोड़ा मोड़ा खाली वीडियो बनाई है। तो ये रहा इसका लहंगा और फिर एक और रहा जीवा का हॉट पैंट, ये ज्यादातर इसी तरह पहनती है, ये फ्रॉक व्रॉक नहीं पहनती, झंगरी मंगरी वाला। और आप देख सकते हैं मेरा डुगू का पैंट कितना सारा है, आप गिन लीजिएगा मेरा दक्ष का पैंट, क्योंकि हम अपने बेटे के लिए इतना सारा सब कुछ, इतना सारा पैंट रखे हैं कि आपको बता नहीं सकते। और भी है जीवा, ऐसे नहीं करते बेटा, खराब हो जाएगा। कितना सारा तो पता है, तो हम लोग पहले दो चार मेरे, एक अच्छी पैंट है मेरा बेटा का। हम मेरे जब भी ऑफर आता है ना, बहुत ऑफर आए या ना आए तो हम कुछ कुछ लेते रहते हैं, तो इसीलिए ला देते हैं जीवा के लिए कुछ या दक्ष के लिए कुछ होगा कहीं पे, या फगुनिया के लिए कुछ भी। आप ये पांच ही पैंट लाए थे? पांच लाए थे, छह हमको भी याद नहीं है यार, कितना हम पैंट लाए थे याद नहीं। 3, 4, 5 होगा नहीं? हाँ पांच था पांच था कि सात था? अरे नहीं पांच था, हमको याद आ रहा। तो देखिए ये पांच पैंट है मेरा दक्ष के लिए, और बहुत सारा कपड़ा है दक्ष का। देखिए ये है, ये टी शर्ट है जो कि अभी तक हम इसको पहनाए नहीं है, आज सिर्फ हम आपको दक्ष का कपड़ा दिखाएंगे। मेरा दक्ष का कपड़ा आप सब देखते जाइए। और अब गर्मी का दिन आ रहा है तो हम दक्ष को ये सब पहनाएंगे। देखिए मेरा दक्ष का कपड़ा है इतना नया नया, देखिए ये रहा दक्ष का कपड़ा जो को मिला है गिफ्ट में। तो आप लोग सोचते होंगे कि इसमें जीवा का कपड़ा नहीं था, जीवा का अलग ट्रॉली है, जीवा के लिए अलग ट्रॉली, उसका थोड़ा भी सा उसका अलग रख दिए हैं, क्योंकि उसका भी बहुत सारा कपड़ा है। और जीवा का ये रहा दक्ष का टोपी इतना छोटा सा, और ये पैंट तो ये टी शर्ट लोग का पैंट है। देखो एक पैंट मिला ना, हम सोच रहे थे ना 6 पैंट था। तो ये रहा 2 कपड़ा जो कि अभी दक्ष को होने में बहुत टाइम लगेगा, और एक और ये रहा, ये भी दक्ष को होने में बहुत टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा ये बड़ा है। तो देखिए जीवा कैसे चुपचाप देख रही है क्योंकि इसका कपड़ा अभी तो निकला है नहीं, थोड़ा ही निकला, बोलती मम्मी मेरा इतना कम कपड़ा की, और सबसे ज़्यादा इसका ही कपड़ा, देख सकते इतना सारा कपड़ा है यहाँ पे सब।
इतना खिली दक्ष का कपड़ा है, आप देख सकते हैं इतना दक्ष का है, जो कि हम अलग रखते हैं, और ये जीवा का है। एक और मोजा नहीं मिलेगा ना बेटा, तो तुमको खरीद देंगे मोजा, ऐसे मत करो। ये जीवा का है, और भी जीवा का कपड़ा है, वो सब हम सारा सरिया के इसी में रखेंगे, दक्ष का और जीवा का एक साथ ही रखेंगे। ये तो मेरा, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, गुलगुल लगता है हमको। तो अगला ठंडा में ये बाबू को काम आएगा। ए बेटा देख तो बाबू का रहा, दूध दे दो उसका मुंह में। और ये रहा टॉवल, जो कि हम इसको अच्छे से रख देते हैं घर। और ये रहा जीवा का ड्रेस, जो आप लोगों को तो दिखाई दी है। ये बोलिए हम ऐसा वाला लेंगे, तो हम बोले ठीक है तुम ले लेना। तो ये रहा जीवा का टॉप। जीवा छोड़ो, जीवा मोजा खोल के रख दीजिए, एक और खोज के रख देंगे। ये भी निकाल के बाहर फेंक देगी, देखिएगा। अब हम इसमें चैन लगा देते हैं। देखिए मेरा टीवी का कवर यहाँ, तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। अभी हम दक्ष का कपड़ा सारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब इसको आराम से आप ऊपर में रख दीजिए, सारा पैकिंग हो गया। हम बता रहे हैं कि हम दिखाए थे आपको अपना दक्ष का सारा ड्रेस, जीवा का ड्रेस, सब कुछ दिखाए थे। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगे तो। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिर से ब्लॉग बनाएंगे तो मिलेंगे।